उस इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंट्रेंस इंट्रेंस टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और इससे पहले मैंने दो बार लोको पायलट को क्रैक किया है, उसको आइए जानते हैं इस वीडियो में लोको पायलट कैसे बने इन हिंदी। मैं आपको इस वीडियो में सभी टॉपिक के बारे में, आपके जितने भी सवाल होंगे लोको पायलट बनने के बारे में, सारे के सारे आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, बिल्कुल इसी वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक जरूर से जरूर देखें, पूरा जरूर देखिए, या फिर डाउनलोड कर रख लीजिए, फ्यूचर में देख सकते हैं। तो आइए हम बात करें, इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक को हम लोग टच करने वाले हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, एज लिमिटेशन यानी कि कितना से कितना एज वाले व्यक्ति इसको भर सकते हैं, उसके बाद देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फिर देखिए वैकेंसी टाइमिंग से क्या रहती है, कितने साल के अंतराल पे आती है लोको पायलट की वैकेंसी, क्या अपीयरिंग वाले भर सकते हैं फिर नहीं भर सकते, या फिर इसका अगली वैकेंसी कब आएगी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा लोको पायलट के लिए, उसका फिर हम बात करेंगे एग्जाम्स सिलेबस और पैटर्न के बारे में। और इससे पहले जान लीजिए मैं हूँ अभिषेक और मैंने दो बार लोको पायलट एग्जाम को पास किया, क्रैक किया आरआरबी मुजफ्फरपुर से, और फिलहाल मैं 4-5 सालों से लोको पायलट एग्जाम्स की तैयारी करवाता स्टूडेंट को। अब तक हमने 1000 स्टूडेंट को लोको पायलट बना दिया हूँ, और आप भी अगर हमारे कोचिंग को जुड़ करके आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका बेसिक क्वालिफिकेशन। देखिए आपका सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो है बेसिक क्वालिफिकेशन, ये आपका होना चाहिए 10th या फिर जिसको आप लोग मैट्रिक बोलते हैं, 10th या फिर मैट्रिक बोलते हैं, यही आपका मैट्रिक यानी कि 10th इसका बिल्कुल बेसिक क्वालिफिकेशन है। अगर कोई आपको बोलता है इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन, ऐसा कुछ बात नहीं है, कम से कम आपका मैट्रिक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मैट्रिक में कम से कम कितना परसेंटेज से आपका पासिंग होना जरूरी है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने ऐसा कभी नहीं बोला है कि कम से कम आपको 40 या 50% नंबर चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक में पासिंग मार्क हुआ होना बिल्कुल जरूरी है, पासिंग ही चाहिए, चाहे आप 40% पास हो, 35% पास हो, 45%, जो भी आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग चाहिए, कहीं पर ऐसा कुछ जिक्र नहीं है कि इतना परसेंट नंबर होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि उसका किसी एक या दो पेपर में क्रॉस लग जाता है, तो दोबारा से एग्जाम देकर उस क्रॉस को क्लियर कर लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, तो वैसे स्टूडेंट भी बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया फिर आप अगले एग्जाम को दे, उसका जो एग्जाम होता है उस एग्जाम को देकर के फिर अपने सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर कर लिया, फिर आगे की पढ़ाई जारी रख रहे हैं, तब भी आप बन सकते हैं लोको पायलट, कोई भी आपको नहीं रोकेगा नहीं टोकेगा। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वालिफिकेशन, आप इसमें बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हम मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट करने के बाद बनेगा फिर ग्रेजुएशन के बाद बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक ही चाहिए, मैट्रिक के बाद आपने कुछ भी कर लिया तब भी चलेगा। चलिए ये चीज आपका हो गया क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन। देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर लोको पायलट एग्जामिनेशन, देखिए लोको पायलट एग्जामिनेशन के टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी क्या सा होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो देखिए लोको पायलट बनने के लिए आपका कम से कम आईटीआई का होना जरूरी है। देखिए लोको पायलट जो है वो 10th प्लस आईटीआई का जो पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है, तो आपका सबसे जरूरी है आपका आईटीआई का हो जाना, आईटीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोको पायलट बनने के लिए। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि आईटीआई के साथ अप्रेंटिस करना जरूरी है क्या, आईटीआई के साथ अप्रेंटिस करना जरूरी नहीं है, अगर आप कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट कंपनियों में नौकरी के ज्यादा चांसेस बनते हैं, इसलिए लोग अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, वैसे आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप कोई जरूरी नहीं है, तो भी चलेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो आईटीआई या फिर आप देखिए डिप्लोमा या फिर बीटेक या फिर इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, बीटेक या फिर बीई, या फिर एक और तरीका होता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन का जो कि होती है 12 प्लस अप्रेंटिसशिप, इसके बारे में देखें, ये सब टॉपिक के बारे में बात करता हूं कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। अब देखें आईटीआई में भी बहुत सारे टाइप के आईटीआई, और आप करने जाते आपको बहुत सारे ट्रेड से आईटीआई करने का आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ 16 आईटीआई ट्रेड को ही मान्यता मिल पाती है कि वो ही लोको पायलट बन सकते हैं। इसके बारे में एक स्पेशल सा वीडियो मैंने बना रखा है, आप हमारे चैनल पर आइए वहां से आप लोग जान लीजिए कि इसका क्या होना चाहिए, या फिर आप क्वालिफिकेशन फॉर लोको पायलट या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर लोको पायलट यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए आईटीआई जो सबसे टॉप 4 जो
ट्रेन होती है जिससे कि लोकपाल बिल्कुल बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं तो आपकी सबसे पहले डिमांडिंग होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रीशियन से आपको अगर आईटीआई मिल रही है तो आप कर लीजिए। उसके बाद आपको अगर इलेक्ट्रीशियन नहीं मिले तो आपको फीटर से कर लीजिए, फीटर नहीं मिले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सीधे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इन रेडियो टीवी। दोनों से करने पे लोको पायलट बनते हैं, लेकिन आप कीजिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, रेडियो टीवी नहीं कीजिए, वो बात को लास्ट कंडीशन में आप कर सकते हैं रेडियो टीवी से भी। ये आपका तीसरा और चौथा जो सबसे टॉप जो आईटीआई का जो ट्रेड जिससे आप लोको पायलट बन पाएगा वो है आपका कौन सा, वो है डीजल मैकेनिक। ये सिर्फ और सिर्फ एक साल की होती है आईटीआई। इस डीजल मैकेनिक से अगर आप आईटीआई करते हैं तब भी आप लोको पायलट बन पाएगा। अगर आपकी एज ज्यादा हो रही है तब आप डीजल से कर लीजिए तो आपको एक साल का फायदा मिल जाएगा। फिर आपका आईटीआई एनसीबीटी सर्टिफिकेट चलेगा, एससीबीटी सर्टिफिकेट चलेगा। तो मैं आपको बता दूं लोको पायलट बनने के लिए एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों सर्टिफिकेट चलता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती है। उस पर सरकारी से आईटीआई करें या फिर प्राइवेट से आईटीआई करें, सरकारी से आप आईटीआई करने जाइए तो आपको अपने स्टेट में आपको एक एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आप बन पाइएगा, आप आईटीआई कर पाइएगा। एंट्रेंस टेस्ट में आपका अगर अच्छा मार्क है तो आप जो भी मैंने आपको बताया आईटीआई ट्रेड इससे आप कर लीजिए आईटीआई। अगर आप उस एंट्रेंस टेस्ट को आप पास नहीं कर पाइएगा तो आप प्राइवेट से आईटीआई कर सकते हैं, और प्राइवेट से जब आईटीआई कीजिए देखिए वो बहुत बड़ा सा कॉलेज हो उसका मान्यता हो, उससे पहले वाले स्टूडेंट से बात कर लीजिए क्या उसको कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आई। और वैसे अभी एनसीबीटी जो प्राइवेट से करते हैं एनसीबीटी सर्टिफिकेट आपको मिल जाती है सर्टिफिकेट जो आईटीआई की, तो एनसीबीटी एससीबीटी कुछ भी चलेगा, प्राइवेट सरकारी कुछ भी चलेगा, बस आप आईटीआई कर लीजिए। इसके बाद आपको आईटीआई में कितना परसेंटेज होना चाहिए तो इसमें भी मिनिमम परसेंटेज है, कहीं पर कोई चर्चा नहीं है कि आपको कम से कम इतना परसेंट चाहिए, आपको कितना भी परसेंट चाहिए वो आपको हो जाएगा। वैसे किसी भी आईटीआई में आपको 60% से ऊपर ही आपको नंबर मिल पाती है। अब ये देखिए डिप्लोमा या फिर बीटेक या फिर बीई में आपका कौन सा ब्रांच होना चाहिए, तो देखिए लोको पायलट का जो पोस्ट है वो बिल्कुल मेन रूप से आईटीआई के स्टूडेंट के लिए ही है, और आईटीआई के जो ट्रेड से सिमिलर अगर आपका ब्रांच है तब बन पाएगा लोको पायलट, जो कि डिप्लोमा बीटेक या फिर बीई में अगर आपका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन अगर है तब भी बन पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है तब भी बन पाएगा, इस क्लब का मैकेनिकल है तब भी बन पाएगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तब भी आप बन पाएगा, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आईटी सेक्टर वाले लोको पायलट नहीं बन सकते, चाहे वो आईटीआई का ट्रेड हो या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ब्रांचेज हो। इसके बारे में आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अब देखिए हम बात करते हैं अपियरिंग कैंडिडेट भाग ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। तो जब तक आपका एग्जाम का फाइनल एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप भाग नहीं ले सकते इसमें। वैसे आईटीआई के स्टूडेंट के लिए एक सुविधा मिलती है, अगर आपका फाइनल एग्जाम आप दे चुके हैं रिजल्ट अभी नहीं आई है लेकिन वैकेंसी निकल गई तब आप अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तब आप फॉर्म डाल सकते हैं, उस कंडीशन में अपियरिंग में उसको मान्यता दे रहा है। तो चलिए ये मान्यता फिलहाल में डिप्लोमा बीटेक बीई ये सब स्टूडेंट के लिए नहीं है। अब हम जानते हैं कि डिप्लोमा बीटेक बीई आईटीआई अगर आप नहीं किए, आपने 12 किया प्लस में जो मैंने बोल इलेक्ट्रीशियन से यानी कि आईटीआई से संबंधित जो भी ट्रेड है उससे संबंधित विषयों में अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है मतलब बिल्कुल मान्यता प्राप्त संस्थान से तब भी आप लोगों को पॉइंट बन पाएगा, जो कि 12 के बाद होती है अप्रेंटिसशिप, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो ये रहा आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं आगे के कुछ और टॉपिक। आइए हम लोग बात करते हैं एज लिमिटेशन फॉर लोको पायलट एग्जामिनेशन इन इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में आपका एज लिमिटेशन आपका क्या होना चाहिए, आपका एज जो है कितना से कितना के बीच होना चाहिए। तो अब आपको पता है भारत में जो लोग हैं अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे आरक्षण व्यवस्था की गई है। तो अब देखिए इस आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत में जो विद्यार्थियों को जो है वो जनरल है, उसका फिर देखिए ओबीसी है, ये सभी की एज अलग अलग होती है। फिर देखिए एससी या फिर एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होती है, इसके अलावा आपको एक्स सर्विसमैन होती है। इन लोगों की आपका एज जो मैक्सिमम है कम से कम तो एज है 18 साल, कम से कम आपका 18 साल एज होना चाहिए, 18 साल से कम का आप लोको पायलट नहीं बन पाएगा। आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए फॉर्म निकलते समय तक, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल वालों के लिए है मैक्सिमम 30 साल के लिए, ओबीसी वालों के लिए है इसमें 3 साल की छूट मिलती है यानी कि 33 साल,
और एससी और एसटी दोनों के लिए मैक्सिमम जो एज है वो है 35 ईयर। और मैं आपको एक्स सर्विसमैन के लिए बता दूं, जो लोग एक्स सर्विसमैन से आते हैं उसके लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपका मैक्सिमम जो एज है वो आपका 40 साल जनरल वालों के लिए है, फिर 43 हो गया ओबीसी और 45 हो गया एससी और एसटी। ये आपका लोको पाइट का एज लिमिटेशन फॉर ऑल कैटेगरीज स्टूडेंट्स और पीपल इन इंडिया। ठीक है, जनरल ओबीसी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन ये सब चीजें, ये चीज हो सकता है। अभी मैंने सुना है कुछ दिन पहले कि नई वैकेंसी जो भी आएगी उसमें 3 साल का और इजाफा किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अभी ऐसा नियम बना नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता आने वाला समय में वो इसका 33 हो जाएगा, इसका हो जाएगा, सब में 3 साल बढ़ जाएगी। तो ऐसा अभी नियम बना नहीं है, इस पे काम चल रही है, जैसे आती है अपडेट मैं आपको बता दूंगा। आइए अब हम लोग देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट A1 चाहिए लोको पायलट के लिए। तो लोको पायलट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, तो आइए देखते हैं हमें क्या होना चाहिए वो देखें। तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, फिजिकली फिट का मतलब क्या हुआ, आपका शरीर का एक एक अंग जो है एक सामान्य व्यक्ति का जिस तरह से काम करता है उस तरह से काम करना चाहिए, फिजिकली फिट उसी को कहा जाता है। और यहाँ पे अगर किसी का स्टूडेंट का हाथ पहले टूटा हुआ है उसमें स्टील लगा दिया गया है, उसका फिर से उसका हाथ बिल्कुल नॉर्मली इसी तरह काम कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ या फिर किसी का किसी और प्रॉब्लम के ऑपरेशन वगैरह हुआ है और अभी फिलहाल में वो बिल्कुल ठीक है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। आइए हम लोग देखते हैं, तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स करने का मतलब ये हुआ, तो यानी कि एक सामान्य इंसान का जिस तरह से बॉडी काम करता है उस तरह से अगर आपका बॉडी काम कर रहा है बिल्कुल तो कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। छोटी मोटी बीमारी जो होगी अगर वो है तो कोई दिक्कत नहीं, जब से कि उसको बड़ी बीमारी कुछ नहीं हो, जैसे दिल की बीमारी नहीं होनी चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, एड्स नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें भी वहां पे देखी जाती है। तो इसके आधार पे वो छांट भी सकता है और अपने विवेक से काम ले सकता है इसके बारे में, उसका बॉडी बिल्कुल फिट होना चाहिए कि वो लोको पायलट जितना बहुत बड़े प्रेशर को संभाल सके, इसी को कहते हैं फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अब देखिए इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो आपका आई विजुअल स्टैंडर्ड, आपका आंख का जो क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका डिस्टेंस विजन 6x6 विदाउट ग्लासेस, आपका जो डिस्टेंस विजन है यानी कि आप मैक्सिमम दूरी तक बिना किसी ग्लास का कितना दूर तक बिल्कुल क्लियर देख पाते हो, बिल्कुल क्लियर, इसका जो है 6x6 है यानी कि आपका 6 मीटर तक आपका देखना चाहिए, यानी कि 6 mm का यानी कि 6 mm 6 मिलीमीटर 6 mm के अक्षर को आपको 6 मीटर के डिस्टेंस से आपको देखना पड़ता है वहां पे, वो भी बिना चश्मे के, बिना चश्मा, वहां पे चश्मा अलाउ नहीं है। अगर आप चश्मा लगाते भी है तो आपको बस शौक के तौर पे लगाते हैं या फिर किसी और प्रॉब्लम से धूल से बचने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं चश्मा लगाइए, लेकिन जब आपका टेस्ट होगा तो आपको चश्मा उतार के टेस्ट होगा। ठीक है चलिए, तो यार आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिस्टेंस में 6x6 ही होता है। इसका आपको नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस होती है, इसका फिर आपका फॉगिंग टेस्ट होती है, ये फॉगिंग टेस्ट, फिर आपका कलर टेस्ट, कलर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकल जो स्टैंडर्ड इसमें 6x6 और प्लस में कलर टेस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलर टेस्ट, यानी कि आपका कलर विजन क्या है, उसका परसेंटेज क्या है। अब देखिए किसी का 100% था, किसी का 80%, किसी का 50%, किसी का 40%, तो वहां पे आपको एक पढ़ने के लिए दिया जाता है, अगर आप उसको बिल्कुल सही सही पढ़ लेते हैं, एक या दो मिस्टेक पे आपको नहीं छाड़ता है, एक या दो ट्राई में आपको उसको पढ़ना पड़ता है, तो इसके लिए बस आप छोटी सी प्रैक्टिस कर सकते हो उससे पहले, और इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे जब आप एग्जाम पास करके आइए। तो फिलहाल हम लोग नाम जान लेते हैं कैसे होती है। फिर जैसे हुआ है बाइनोक्युलर विजन, बाइनोक्युलर मतलब कि दूरबीन होता है उस तरह का विजन लेता है, फिर देखिए फील्ड ऑफ विजन, उसके बाद देखिए नाइट विजन, ये सब टेस्ट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि आपके आंखों में कुछ दवा डालकर टेस्ट करता है कि आपका आंख में कोई सर्जरी तो पहले से नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं लेजर सर्जरी करवा लेते हैं अपने आंखों को, और जिससे होता है कि कुछ टाइम के लिए लेजर सर्जरी करवाने पे आपके आंख में जो है कुछ टाइम के लिए काफी बेहतरीन दिखने लगता है, तो इस चीज से बचने के लिए वहां पे वो आंख में एक केमिकल होती है उसको डाल के वो टेस्ट करता है। तो अगर किसी ने करवाया होता है तो उसको वहां पे कुछ दिखता नहीं, अगर नहीं करवाया होता है तो वहां पे उसको कोई दिक्कत नहीं आती, वैसे इस टेस्ट में काफी ज्यादा आंख को मतलब कि दर्द होती है। तो अब देखिए
13 आपका आँख का जो है मेडिकल स्टैंडर्ड ये चीज, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई लगभग में कि आपको क्या सब चाहिए होगा। अब जो मैक्सिमम या फिर लगभग 100% एस्पिरेंट के जो सवाल होता है वो है वैकेंसी टाइमिंग। इसकी वैकेंसी कितने साल के अंतराल पे आती है, क्या एक साल के अंतराल पे आ ही जाती है, क्या दो साल के अंतराल पे आ ही जाती है, ये जो पिछला वैकेंसी पूरे 4 साल के बाद आई तो क्या अगली वैकेंसी फिर से 4 साल के बाद आएगी, ये सब चीज के बारे में जानते हैं कि इसका वैकेंसी टाइमिंग क्या रहता है, कितने साल के अंतराल पे आती है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये 4 साल के बाद ही आएगी या फिर प्रत्येक साल आएगी या फिर 2 साल के बाद आएगी या फिर आती ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। रेलवे में जो कि सरकार के अंतर्गत में आती है, रेलवे में रिटायर हो रहे कर्मचारी कि बहुत ज्यादा कर्मचारी जब एक साथ रिटायर हो जाते हैं वहां पे ट्रेन की संख्या काफी बढ़ जाती है, उसको चलाने के लोको पायलट चाहिए होगा, असिस्टेंट लोको पायलट चाहिए होगा, तो उसकी जब बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तब रेलवे भर्ती बोर्ड वैकेंसी निकालती है। और ऐसा वो 6 महीने के अंतराल पे भी हो सकता है, 4 साल के अंतराल पे भी हो सकता है, 2 साल के अंतराल भी हो सकता है, इसलिए वैकेंसी कभी भी आ सकती है। इसलिए आप लोग तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए और कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए अपने मन में कि वैकेंसी 4 साल के बाद ही आएगी तब भी हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपको लोको पायलट का सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है, सबसे पहला स्टेज होता है आपका फॉर्म अप्लाइंग। आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं वो आपका सबसे पहला स्टेज होता है। दूसरा स्टेज होता है आपका एग्जाम। अब देखिए लोको पायलट में 3 एग्जाम होते हैं, 3 एग्जाम मैं नाम लिख देता हूँ, CBT 1, CBT 2 और CBT 3। CBT 1, CBT 2 और CBT 3, इस 3 एग्जाम होने के बाद आपकी होती है लोको पायलट की ट्रेनिंग पूरे 6 महीने की होती है, 180 दिनों की, 150 दिन का ट्रेनिंग आपका छुट्टी वगैरह मिलाकर 180 दिन यानी कि 6 महीने की आपका ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आपको लोको पायलट की कमांड मिल जाती है। इसके बारे में बिल्कुल थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपका ट्रेनिंग के बाद क्या होता है। आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग जब आपके हो जाती है उसके बाद आपको लोको पायलट में बहुत सारा पोस्ट होता है। तो सबसे पहले जो आपके बनते हैं वो बनते हैं आप ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। इस असिस्टेंट लोको पायलट में आपका 4 साल रहने के बाद, 4 साल जब आपका पूरा हो जाएगा तब आप बनते हैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, सीनियर ALP के बाद आप बनते हैं गुड्स LP। फिर आपके यहाँ पे ये जो है असिस्टेंट का जो आपके पास जो था ये आपके हट जाती है असिस्टेंट नाम, आप बन जाते हैं फिर लोको पायलट। उसके बाद बनते हैं गुड्स लोको पायलट। गुड्स मतलब क्या होता है, मालगाड़ी का लोको पायलट। ये कम से कम आपको 10 साल तक रहना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको मिलती है, फिर से आपको प्रमोशन होता है, फिर आपको मिलती है पैसेंजर, उसका फिर एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, ये सब चाबी आपको मिलती जाती है अगर आप लोको पायलट बने। इसके अलावा भी साइड से भी आपको कुछ फॉर्म भरने को मिलता है जो कि आप LI बन सकते हैं कि लोको इंस्पेक्टर बन सकते हैं और क्रू कंट्रोलर बन सकते हैं, ये सब चीजें होती हैं इसमें। और आपकी सैलरी भी काफी ज्यादा बढ़ते जाती है। सैलरी वगैरह के बारे में हम एक वीडियो फिर से बनाएंगे अगर आप कमेंट करोगे तो इसके बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस तो होगी, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे एग्जाम सिलेबस और पैटर्न के। देखिए अब हम बात करते हैं एग्जाम सिलेबस और पैटर्न के बारे में, आपको क्या सब मिलेगी। तो इसमें देखिए आपको जो सबसे पहला होती है टेस्ट वो होती है CBT 1। इसमें टोटल जो होती है 3 टेस्ट होती है, CBT 1, CBT 2 एंड CBT 3। तो योर फर्स्ट टेस्ट इज CBT 1 फॉर लोको पायलट। CBT 1 का जो होता है टेस्ट, इसमें जो टोटल जो क्वेश्चन मिलती है वो मिलती है आपको 75 क्वेश्चन मिलती है, और आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है आपको 60 मिनट का टाइम, यानी आपको 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करना पड़ता है। ये सब क्वेश्चन MCQ टाइप होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और ये सब में आपका निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 होती है निगेटिव मार्किंग। आपको इस 75 नंबर में से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाना पड़ता है, वैसे कम से कम आपको 40% नंबर तो चाहिए ही चाहिए, इसके ऊपर आप जितना नंबर आप ला सकते हैं। फिर देखिए आप एग्जाम देने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स होती है, फिर आपका ये जो है ये CBT 1 जो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, यानी इसका जो नंबर है आपका मेरिट में नहीं जुड़ता है।
बस ये आपका सीबीटी वन के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी और मैं आपको बता दूं इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे में जो है इसका सिलेबस और पैटर्न क्या होगा वो मैं बता दूं। जैसे कि आपका देखिए मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, उसका देखिए करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस, ये देखिए मैथ्स में से आपका 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में से 25 क्वेश्चन, साइंस में से आपका 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस में से आपका 10 क्वेश्चन। यहाँ पर आपका जीके में से क्वेश्चन पूछता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछता, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल ये सब चीज़ होती है, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता। तो उसी रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं उसमें से करंट अफेयर्स पूछ लेता आपका, तो कुछ इस तरह से रहा। तो आप लोग को इस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैथ 20 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, साइंस 20 नंबर, करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, ये आपका टोटल 75 नंबर। इस 75 नंबर में से आपको मैक्सिमम नंबर ला करके आप एग्जाम पास कर पाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको अगर कंफर्म रिजल्ट चाहिए तो आपको नंबर कम से कम आना चाहिए 55 प्लस, यानी 55 नंबर से आप ज्यादा नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। चलिए अब हम लोग अगला टेस्ट की बात करते हैं जो कि होगा आपका सीबीटी 2। अब देखिए सीबीटी 2 टेस्ट आपका किस तरह से होता है, सीबीटी 2 टेस्ट देखिए क्या होता है। तो सीबीटी 2 में आपका दो पेपर होता है, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए आपका मेन पेपर होता है, पेपर बी आपका होता है क्वालिफाइंग होता है, और ये आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर ए की बात कर लेते हैं, पेपर ए में क्या होती है। तो देखिए पेपर ए में जो है 100 क्वेश्चन होता है, टोटल 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन करना होता है 90 मिनट में। ये भी 1/3 होता है नेगेटिव, इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये सब का सब सीबीटी यानी कि कंप्यूटर पर होते टेस्ट। और इसमें आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ये जो 100 क्वेश्चन है इसी पे आपकी मेरिट तैयार होती है, और इस मेरिट को बनाने के लिए आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए होगा। और चलिए आइए हम जानते हैं इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में। इस 100 क्वेश्चन को सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पार्ट ए का देखिए सिलेबस क्या होगा। आपका मैथ्स है, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अलावा करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस, इसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछेगा, मैथ में से 25, रीजनिंग में से 25, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से आपको 40 मार्क्स एंड 40 नंबर, और करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस में से आपको क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर। तो इसमें भी आपका जीके कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये सब में से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक या दो क्वेश्चन टच करेगा वो कि आपका जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स में आपका आ जाएगा। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका 100 नंबर का जो मार्क्स है, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हुआ, इसी का आपका मेरिट जुटता है कि इसमें आप मैक्सिमम नंबर आइए, इसका में से 70% नंबर निकालेगा, साइको टेस्ट में से आपका 30% नंबर निकालेगा, दोनों को मिक्स करके फिर आपका मेरिट तैयार करेगा कि आपका मेरिट क्या होगा, आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो भाई आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग पार्ट बी के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखें सीबीटी 2 का पार्ट ए और पार्ट बी एग्जाम बिल्कुल साथ साथ होते हैं, बिल्कुल एक ही साथ होती है। सीबीटी 2 का पार्ट ए एग्जाम जैसे ही खत्म होगी, पार्ट बी एग्जाम उसी समय शुरू हो जाएगी, जिसमें कि आपका होगा सीबीटी 2 पार्ट बी, जिसको कि आप ट्रेड टेस्ट भी बोल सकते हैं। जब आप सीबीटी 1 पास करिएगा, जब आप सीबीटी 1 पास करेगा तो आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा फिर से दोबारा से, और उसमें आपको बताया जाएगा कि आप सीबीटी 2 एग्जाम का जो ट्रेड टेस्ट आप देने वाले हैं उसमें किसी एक सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको रेलवे भर्ती बोर्ड आपके उसी सब्जेक्ट में से आपका 74-75 क्वेश्चन आपको देगा। जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन को, और स्टूडेंट के पास ये मौका होता है वो किसी भी चीज को भी सिलेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करिए, वायरमैन सेलेक्ट कीजिए, या फिर फीटर सेलेक्ट कीजिए, मशीनिस्ट सेलेक्ट, रेफ्रिजरेशन सेलेक्ट कीजिए, जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसी में से अगर मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया, इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट किया, इलेक्ट्रीशियन अगर हमने सेलेक्ट किया तो इलेक्ट्रीशियन का 75 क्वेश्चन पूछेगा, 60 मिनट का टाइम देगा, और ये सब जो क्वेश्चन आएगा वो डीजीईटीई का, डीजीईटी का जो सिलेबस होती है वो आईटीआई का जो टेक्निकल जो सब टेक्निकल जो टीम है, जो कि रेलवे का सर्वोच्च संस्था डीजीईटी है, जो कि
आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए उसका सिलेबस और पैटर्न तैयार करते सिलेबस तैयार करते हैं उसी सिलेबस यानी कि आपको इलेक्ट्रिशियन का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का दो साल का जो आईटीआई होती है पूरा का पूरा ब्रांच पेपर निकाल कर वहां से डीजीटी का सिलेबस डाल देता है यहां पर आपको इलेक्ट्रिशियन टेस्ट में। इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट का टाइम होता है। इसका जो पासिंग मार्क है क्वालिफाइंग मार्क है वो है आपका 35% है, 35%। इसमें कोई बोर नहीं है कि आपको इसमें ज्यादा लाना है कम लाना है, बस आपका कम से कम 35% आपका नंबर होना चाहिए यानी आपको 75 नंबर में से 35% नंबर यानी कि 27 नंबर आपका होना चाहिए। 27 से अगर आपका ऊपर है तो आपका बिल्कुल क्वालिफाई। इसका जो नंबर है आपने अगर 75 में 75 नंबर मिला दिया तब भी आपका मेरिट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई माना जाएगा। और अगर आपने 75 में सिर्फ 27 नंबर लाया तब भी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। वैसे आप इसकी तैयारी कुछ ऐसा रखिए कि ये नंबर कम से कम 50 नंबर आ जाए। तो अब देखिए मैंने सीबीटी 1 की बात कर ली, सीबीटी 2 का दोनों पेपर की बात कर ली, अब हम बात करते हैं सीबीटी 3 के बारे में। सीबीटी 3 या फिर इसी को आप लोग साइको टेस्ट बोल सकते हैं, देखिए साइको टेस्ट। इस साइको टेस्ट में क्या होती है, 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 टाइप के क्वेश्चन लगभग में 2 घंटे की एग्जाम होती है, लगभग में 2 घंटे आपका एग्जाम हो जाता है। और इस टोटल जो टेस्ट होती है टोटल 18-19 टाइप का जो टेस्ट होती है, इसी 19 में से कोई भी 5 आपको पूछेगा, जिसमें पहला होती है मेमोरी टेस्ट। पहला होती है मेमोरी टेस्ट, दूसरा जो होती है वो होती है आपका टेबल टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, टेबल टेस्ट। तीसरा होती है आपका ब्रिक टेस्ट, चौथा आपका यस नो या फिर इसमें से कुछ भी मिक्स होके आते रहता, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है मेमोरी टेबल और ब्रिक्स टेस्ट। अब देखिए आपका साइको टेस्ट, इसकी तैयारी बहुत ही इजी होती है और ये सब चीज आप बिल्कुल 7 दिन के अंदर में भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपकी इसकी तैयारी अभी से रहे तो काफी ज्यादा बेहतर। तो फिर मैंने बात कर लिया सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 3 एग्जाम के बारे में, अब हम बात करते हैं इसका मेरिट कैसे तैयार होती है। आपका जो देखिए मेरिट कैसे तैयार होती है, तो देखिए सीबीटी 2 का पार्ट ए जो कि 100 क्वेश्चन वाली थी, सीबीटी 2 का पार्ट ए प्लस सीबीटी 3 जो कि साइको टेस्ट बोले, इसका आपका 70 आपने जितना नंबर लाया उसमें से इसका 70% नंबर, सीबीटी 3 में आपने जितना भी नंबर लाया इसमें से आपका 30% नंबर, दोनों नंबर को मिक्स करने के बाद जो एक नंबर तैयार होगी वही आपका मेरिट मार्क होगा, उसी मार्क के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, आपकी रैंकिंग तैयार होगी, फिर आपको डिग्री के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। चलिए आइए हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डीवी के बारे में बात कर लेते हैं। ये डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होती है, तो इसे बस नॉर्मली कुछ नहीं, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर आपने जो भी क्वालिफाइंग वहां पे दिया था उसका सर्टिफिकेट लेगा, आपका कास्ट यानी जाति का सर्टिफिकेट लेगा, और इसके बाद आपका जो लेगा वो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसका सर्टिफिकेट लेगा, और ज्यादा बस 3 से 4 डॉक्यूमेंट में आपका काम चल जाएगा यहाँ पे। और इसके लिए फिर से वो नया नियम कानून बनाता है, फिर बोलता है वहां सब जगह साइन करवा के लाना पड़ता है और जो काफी ज्यादा भागदौड़ करना पड़ता है, लेकिन जब ये टाइम आएगा इसके लिए आपको बिल्कुल डिटेल से वीडियो बना देंगे आपको गाइडेंस करने के लिए। तो फिर आपने जाना इस वीडियो में कि लोको पायलट बनने के लिए एक एक चीज के बारे में, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर करने वाले या फिर भविष्य में कभी भी आप लोको पायलट बनना चाहते हैं
तो आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, हम आपके 100% सिलेक्शन आपको हम दिलवा देंगे, क्योंकि हम आपको जितना चीज पढ़ाते हैं, जो मैंने किताबें लिखी लोको पायलट बनने के लिए, वो सभी किताबों आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ITI कंप्लीट कर चुके हैं तो आपका ये 3 महीने का कोर्स हम लाते हैं, जो कि 4000 रुपये की आती है, नोट्स प्लस वीडियो कोचिंग, इसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तैयारी के लिए, आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कीजिए, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, फिर आपको हम बाद में कॉल बैक कर लेंगे। और हाँ, अगर आप हमारा नंबर सेव करते हैं तो पहले आप हमारे नंबर को नाम के साथ सेव कर लिए, उसके बाद ही आप हमें कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।